नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एक गंभीर परेशानी है जिससे बहुत लोग आए दिन पीड़ित रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ है जो आपके शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शरीर को हॉर्मोन बनाने सहित कई कामों के लिए कुछ कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, लेकिन ये गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। समस्या तब होती है जब खून की नसों में गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगे। बता दें कि शरीर में गंदा कोलेस्ट्रॉल आपके द्वारा खाई जाने वाली चीज़ों से बनता है। ऐसा माना जाता है कि अंडे की जर्दी, मांस, पनीर, कुछ तरह के तेल में भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अगर आपके खून में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो ये रक्त में अन्य पदार्थों के साथ मिलकर प्लेग बना सकता है। प्लेग आपकी धमनियों की दीवारों से चिपकती है, इससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का खतरा रहता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिससे खून की नसें ब्लॉक होती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा या थम सकता है। ऐसा होने से आपको स्ट्रोक, हार्ट अटैक या दिल से जुड़ी कई गंभीर परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में सैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल, नारियल का तेल, पाम ऑयल और करनेल ऑयल शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसके अलावा आलू के चिप्स, तले हुए खाद्य पदार्थ और बेकरी के सामान में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो कोलेस्ट्रॉल के लिए अलसी का तेल अच्छा माना जाता है। इस तेल को बहुत गर्म किए बिना ही आप खाना बना सकते हैं। इसे आप सैलड में भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी का तेल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो फ्लैक्स प्लांट के बीजों से बनता है। इसके बीज फैटी एसिड का एक बेहतर स्रोत हैं। इनमें अल्फा लिनोनिक एसिड और ओलिक एसिड पाए जाते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि अलसी का तेल LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने और HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में प्रभावी है। वहीं डॉक्टरों का मानना है कि कोलेस्ट्रॉल घी से सबसे ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि बहुत से लोगों का सारा दिन बैठने का काम होता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को रोकना चाहते हैं तो तेल कम खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, सलाद का सेवन ज़्यादा करें, रात में जल्दी खाना खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, जितनी भूख लगे उससे कम खाएं, ज़्यादा ठंडा पानी भी ना पिएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।